बच्चों, आज हम जो आप लोगों को चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं वह एग्जामिनेशन व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से संभवतः 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे दो बात समझना होगा। पहला, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी साझेदारी कब भंग होती है, कब समाप्त होती है, और दूसरा, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और फर्म कब समाप्त होती है। दो चीज यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि साझेदारी कब भंग होती है, कब समाप्त होती है, और दूसरा, फर्म कब भंग होती है। तो पिछले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, यानी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन 5 स्थिति में होता है। जब साझेदार अपने लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करते हैं, दूसरा, जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है, तीसरा, जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट करता है, चौथा, जब कोई पार्टनर डेथ करता है, और पांचवा, जब दो एक ही टाइप का फर्म आपस में मिल जाते हैं, एमालगमेशन ऑफ फर्म। तो 5 कंडीशन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का होता है। तो वही 5 कंडीशन ये साझेदारी भंग की प्रक्रिया होती है। यानी साझेदारी भंग कब होती है, या कोई पार्टनर एडमिशन लेता है, या कोई रिटायरमेंट लेता है, या कोई डेथ करता है। लेकिन फर्म जब, और एक बात ध्यान देना होगा कि जब साझेदारी भंग होती है तो व्यवसाय चलती रहती है, लेकिन फर्म जब भंग होता है तो व्यवसाय समाप्त हो जाता है, यही दोनों में अंतर है, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन और फर्म के डिसोल्यूशन में। फर्म के डिसोल्यूशन में देखिए, ये कब कब होता है, रिटायरमेंट के बाद, जब कोई पार्टनर रिटायर करता है, जब कोई पार्टनर डेथ करता है आफ्टर डेथ, या कोई पार्टनर आफ्टर इंसॉल्वेंट दिवालिया हो जाता है। यहाँ दिवालिया का अर्थ है अगर किसी पार्टनर के पास संपत्ति से अधिक लाइबिलिटीज हो गया, एसेट से अधिक लाइबिलिटीज होता है, वह व्यक्ति दिवालिया व्यक्ति होता है। तो ये 3 कंडीशन है फर्म के डिसोल्यूशन में। अब यहाँ पे अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म के डिसोल्यूशन का कितना टाइप है। ए, डिसोल्यूशन बाई एग्रीमेंट, जब कोई साझेदार, सभी साझेदार आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि साझेदारी फर्म को भंग किया जाए, तो एग्रीमेंट के द्वारा डिसोल्यूशन हो जाता है फर्म का, उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। बी है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, जब कोई पार्टनर दिवालिया हो जाता है तो उस समय साझेदारी को अनिवार्य रूप से भंग कर दिया जाता है। तीसरा कंडीशन है डिसोल्यूशन बाय नोटिस, कोई साझेदार नोटिस दे के साझेदारी फर्म को भंग कर सकता है। और चौथा है डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, अगर कोई साझेदार पागल हो जाए, दुराचार में लिप्त हो जाए, अस्थाई रूप से अयोग्य हो जाता है, तो वह डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, तो उस साझेदार को, उस साझेदारी फर्म को कोर्ट द्वारा भंग कर दिया जाता है। अब आप लोगों को क्वेश्चन बताया जा रहा है और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, एग्जामिनेशन में जरूर आता है, और इसको पढ़िए, समझिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। जब फर्म का विघटन होता है तो उसके पुस्तकों को बंद किया जाता है, और 3 खाते बनाए जाते हैं। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा बैंक या कैश अकाउंट। यहाँ पे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट को समझते हैं। एग्जामिनेशन में या तो रियलाइजेशन अकाउंट भी दे सकता है बनाने के लिए, या जर्नल एंट्री भी देता है बनाने के लिए। और इस पार्ट को अगर आप समझ लीजिएगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है
कि आपका रियलाइजेशन अकाउंट भी बन जाएगा और इस पे जो जर्नल एंट्रीज दिया गया है वो भी बन जाएगा। सबसे पहले इसको आप एकदम माइंड में रखिए, माइंड में रियलाइजेशन अकाउंट्स। जब फर्म का विघटन होता है तो संपत्तियों को बेचा जाता है, लायबिलिटीज का पेमेंट किया जाता है। इस काम के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है और रियलाइजेशन अकाउंट के दो साइड होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। ध्यान दीजिएगा, इसको एकदम आराम से समझिए। सबसे पहले जब भी किसी फर्म का विघटन होता है तो विघटन के तारीख का बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया रहता है। बैलेंस शीट विघटन के तारीख का दिया रहता है, तो सबसे पहले बैलेंस शीट का जितनी संपत्ति है, एसेट्स, टोटल एसेट्स याद कीजिए, बैलेंस शीट का जो क्वेश्चन में दिया है, बैलेंस शीट का टोटल एसेट्स कैश और बैंक को छोड़कर, कैश और बैंक को छोड़कर सभी संपत्ति को रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट लिखा जाता है। टू सन्ड्री, सभी एसेट्स को यहाँ लिखिएगा। टू प्लांट होगा, प्लांट। टू फर्नीचर होगा, फर्नीचर। टू स्टॉक होगा, यानी जितनी संपत्ति बुक्स में है सबको डेबिट में लिखिए, ये सन्ड्री एसेट्स। इसके बाद बैलेंस शीट के जो आउटसाइडर लायबिलिटी साइड है उसमें लायबिलिटीज दो होते हैं, इनसाइडर और आउटसाइडर। इनसाइडर मींस कैपिटल, रिजर्व और प्रॉफिट, ये दोनों को, तीनों को छोड़ के जितने आउटसाइडर लायबिलिटीज हैं, मींस क्रेडिटर, बिल्स पेबल, सभी आउटसाइडर लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट लिखा जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट लिखा जाता है, जान दीजिएगा। तो इसका जर्नल एंट्री अगर डे क्वेश्चन में बनाने के लिए तो क्या कीजिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, ध्यान दीजिएगा। जर्नल एंट्री यहाँ याद नहीं करना है, इसी बेस पे जर्नल एंट्री बना लेना है, इसी बेस पर। इसको माइंड में रखिएगा आप, इसको, इस पर जर्नल एंट्री आए या रियलाइजेशन अकाउंट आए सब बन जाएगा। तो इसकी एंट्री हम क्या कर सकते हैं, रियलाइजेशन टू एसेट्स, और इसकी एंट्री लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो डेबिट है ये डेबिट साइड में, तो डेबिट हम इसको करेंगे एंट्री करते समय, और इसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट। और जब क्रेडिट साइड में हो तो किसको क्रेडिट करेंगे, ये रियलाइजेशन अकाउंट को, इस सबको क्या करेंगे हम, डेबिट। तो इसका एंट्री, तो जब भी बेटा एग्जामिनेशन में जर्नल एंट्री करने के लिए देगा तो संभवतः ये दोनों पॉइंट नहीं देता है, ये तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के काम आता है। अब ये जो बताने जा रहे हैं, एक दो तीन चार, एक और दो, इसको माइंड में रखिएगा तो जर्नल एंट्री अपने आप बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ये देखिए लायबिलिटीज का पेमेंट किया जाता है तो टू बैंक डेबिट में रहता है। अगर एक्सपेंस का पेमेंट किया जाता है तो टू बैंक कहाँ रहेगा, डेबिट में। अगर लाइबिलिटीज कोई पार्टनर लेता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ रहेगा, डेबिट में। अगर लाइबिलिटीज यदि एक्सपेंस पार्टनर द्वारा पेमेंट किया जा रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इधर चार आइटम। दो, लाइबिलिटीज का पेमेंट करेगा तो टू बैंक, अगर लाइबिलिटीज कोई पार्टनर लेगा तो टू पार्टनर कैपिटल। एक्सपेंस का पेमेंट किया जाएगा तो टू बैंक, और एक्सपेंस कोई पार्टनर लेगा तो टू पार्टनर कैपिटल, चार इधर। इधर दो, अगर एसेट्स
सोल्ड किया जाएगा, रियलाइज किया जाएगा, बेचा जाएगा तो बाई बैंक। अगर एसेट्स कोई पार्टनर लेता है, एसेट्स टेकन ओवर बाई पार्टनर, लिखे हैं हम, तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चार डेबिट और दो क्रेडिट, इसको अगर माइंड में रखिएगा आप तो आराम से जर्नल एंट्री का क्वेश्चन बन जाएगा। चार डेबिट और दो क्रेडिट। डेबिट में क्या, अगर लाइबिलिटीज का पेमेंट करोगे तो टू बैंक पहला, अगर लाइबिलिटीज कोई पार्टनर लेगा तो टू पार्टनर कैपिटल तीसरा, अगर एक्सपेंस का पेमेंट करेगा तो टू बैंक, और एक्सपेंस अगर पार्टनर लेगा तो टू पार्टनर कैपिटल चार। क्रेडिट में दो, अगर एसेट्स बेचा जाएगा तो बाई बैंक, अगर एसेट्स पार्टनर लेगा तो बाई पार्टनर, इसको माइंड में रखिए आप। और ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन बताने जा रहे हैं इसी बेस पे। हाँ, इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे आप, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल और रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल, इसकी एंट्री बैंक टू रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। क्लियर। अब क्वेश्चन चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन है रियलाइजेशन एक्सपेंस 2500 क्या बनेगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस 2500 आप यहीं लिखोगे ना आप 2500, तो एंट्री क्या बनेगा, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक। क्लियर। आगे दूसरा क्वेश्चन, रियलाइजेशन एक्सपेंस 3000 पेड बाई अशोक वन ऑफ द पार्टनर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3000 है, अशोक पार्टनर का नाम है और पार्टनर दिया है, यहां लिखे हैं एक्सपेंसेस पेड बाई पार्टनर का लिखेगा टू अशोक कैपिटल, क्या लिखेगा टू अशोक कैपिटल, यहां क्वेश्चन बना लीजिए आप। पहला हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2500 और एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर, यही ना है रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल तो अशोक है, यहां लिखिए दूसरा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अशोक कैपिटल, अशोक कैपिटल कितना है 3000, दूसरा एंट्री। तीसरा अमित एक पार्टनर है जो संपत्ति रियलाइज करने के लिए उसको रखा गया है और कितना पैसा दिया जा रहा है 4000, कितना पैसा दिया जा रहा है 4000, तो यहाँ पे एक्सपेंस दिया जा रहा है तो क्या लिखेगा रियलाइजेशन टू अमित कैपिटल, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू अमित कैपिटल, अमित कैपिटल 4000। अब यहाँ क्वेश्चंस में एक्चुअल एक्सपेंस 3000 दिया है, उस एक्चुअल एक्सपेंस से मतलब नहीं है फर्म के लिए, फर्म का बना रहे हो आप। एसेट्स रियलाइज 10000 कहाँ लिखोगे, एसेट्स रियलाइज यही ना है बैंक, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक टू रियलाइजेशन यहाँ लिखेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन 10000। कह रहा है कि पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज कितना है 20000, तो पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज यही ना बेटा है टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक, इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक के जगह हम कैश का भी यूज कर सकते हैं बेटा 20000। कहा गया क्वेश्चन में कि एसेट्स एक
अब अंत में दिया है अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज 20,000। तो एसेट्स रियलाइज किया जाएगा, रिकॉर्ड हो या अनरिकॉर्डेड है इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा बाई बैंक, इसकी एंट्री बनेगी बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। इस प्रकार अंत में ये रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस किया जाएगा। अगर ये अधिक हो ये कम हो तो प्रॉफिट आता है, क्या लिखेंगे टू प्रॉफिट। मान लीजिए प्रॉफिट 10,000 रुपया आता हो और दो पार्टनर ए और बी, दोनों पार्टनर में इक्वल बांटना है तो 5,000 ए और 5,000 क्या लेगा बी, ये 10,000 बाहर कर देंगे हम। उसी प्रकार अगर ये अधिक हो और ये कम हो तो क्या आएगा लॉस, ए और बी दो पार्टनर है मान लीजिए लॉस 10,000 हो रहा है तो ए को 5,000 इक्वल बांटना है। तो इसके अगर प्रॉफिट देगा एंट्री करने के लिए तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, प्रॉफिट का ये एंट्री हो जाएगा। और लॉस का एंट्री ए कैपिटल बी कैपिटल टू रियलाइजेशन। इस प्रकार इसको माइंड में रख लीजिए आप, और रियलाइजेशन अकाउंट का जितना भी जर्नल एंट्री जाएगा आप इस थ्योरी से बना लेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। अब हम आप लोगों को फर्म के विघटन पर जो 3 खाते बनाए जाते हैं उसको बताने जा रहे हैं। फर्म के विघटन पर 3 खाते बनाए जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। अगर क्वेश्चन में बैंक दिया है तो बैंक अकाउंट बनाइए, कैश दिया है तो कैश अकाउंट बनाइए, अगर दोनों दिया है तो कैश बुक लिख दीजिए आप। तो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, जब फर्म का रिजोल्यूशन होता है तो ये फर्म के